डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीच राइटिंग। आर्टिकल अथवा ऐसे राइटिंग की वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जल्दी से जाकर देख लेना, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, क्योंकि बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया है, शानदार टिप्स दिए हैं कि एक आर्टिकल अथवा ऐसे को शुरू कैसे करें, बीच में क्या लिखना है, एंड किन लाइनों से करना है। अच्छा, जैसे स्पीच राइटिंग है तो स्पीच और आर्टिकल राइटिंग कोई अलग चीज नहीं है, मैं इनको एक जैसी चीज मानता हूं, क्योंकि ज्यादातर ये आपके ऑप्शंस में आते हैं अथवा में आते हैं, आर्टिकल करो चाहे स्पीच करो। अब आर्टिकल का अर्थ होता है लेख, यानी किसी विषय पर अपने विचारों को लिखना, और स्पीच का अर्थ होता है भाषण। लेकिन एग्जाम में वो आपसे स्पीच भाषण दिलवाएगा नहीं, उसको भी लिखवाएगा, इसलिए इसका नाम है स्पीच राइटिंग, यानी कि स्पीच को लिखो। तो दोनों ही रिटन हो गए, बस अंतर है तो सिर्फ फॉर्मेट का अंतर है। आर्टिकल का फॉर्मेट थोड़ा अलग है और स्पीच का फॉर्मेट थोड़ा सा बस अलग है। तो इस वीडियो में आपको एक अच्छा स्पीच लिखने के सारे टिप्स, इसका फॉर्मेट क्या है, सारी बातें करेंगे। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि वो वीडियो तो आपको मस्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी चाबी भी कहीं ना कहीं उससे खुलेगी। ठीक है, तो अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो आपका मैं एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये कंफ्यूजन होता है कि एक आर्टिकल और स्पीच में अंतर क्या है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अगर है भी तो बहुत छोटा सा है, समझ लो। जैसे द वैल्यू ऑफ बुक्स, इस विषय पर आपसे उसने कहा कि एक आर्टिकल लिखो। तो आर्टिकल लिखने का मतलब है कि सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, जो कि आपको स्पीच में भी लिखना होता है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर में दिया आता है, इमेजिन यू आर रोहित और काव्या। तो लड़के अपने आप को रोहित मानेंगे, लड़की अपने आप को काव्य मानेंगी। तो यहां पर लिखने वाले का नाम दिया जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है इसका फॉर्मेट, तो बाय रोहित और काव्य। और यहां से फिर आप अपना आर्टिकल, अपने विचार, द वैल्यू ऑफ बुक्स पर लिखना शुरू कर देते हो एक पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। लेकिन अगर आप स्पीच लिख रहे हो तो वैल्यू ऑफ बुक्स पर आपको विचार तो जैसे आर्टिकल में लिखे थे वैसे लिखने, लेकिन उससे पहले शुरुआत में जो आपको एड्रेसिंग यानी संबोधन लिखना है, वो दो तीन लाइन अलग होती है, और उन लाइनों का मतलब ही एक स्पीच हो जाता है। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाया, तो ये बॉक्स आपको पेपर में नहीं बनाना है, पेपर में ये तो क्या समझाने के लिए मैंने आपको बनाया, आपको खुला ही लिखना है एक पेज में। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्पीच राइटिंग की। अगर स्पीच राइटिंग आप कर रहे हो तो सबसे पहले टाइटल आएगा, तो टाइटल तो आपको इसी तरह से देना ही है, और वो भी कैपिटल में, और कैची होना चाहिए। अगर पेपर में आपका टाइटल दिया हुआ है कि इस विषय पर लिखो, तो आप वही ले सकते हो, अन्यथा टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कैची हो और सरल हो। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ बुक्स, द चाइल्ड लेबर, द टेररिज्म, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव वाटर, इस तरह से सरल, आसानी से समझ में आ जाए, और ये आपको लिखना है कैपिटल में। उसके बाद में जब आप लिख रहे हो स्पीच, तो आपको इस तरह से ये नहीं लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मल एड्रेस। ठीक है, औपचारिक एड्रेस का मतलब पता नहीं है, एड्रेस का अर्थ है संबोधन, एड्रेस का अर्थ संबोधन भी करना होता है। तो आप एक औपचारिक रूप से संबोधित करते हो ऑडियंस को, श्रोताओं को, और वहां पर जो पैनल ऑफ जजेस होता है, जो आपके रेस्पेक्टेड टीचर्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल होते हैं, उनको आप एड्रेस करते हो, संबोधित करते हो। उसके बाद में इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन, अपना एक प्रभावशाली आप इंट्रोडक्शन देते हो कि मैं वो हूं, मतलब अपना नाम बताते हो, अपनी क्लास बताते हो आदि। और अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, और फिर आप टॉपिक का नाम जो आपने यहां लिखा इसको एक बार फिर से लिखते हो। तो ये सारी चीजें आपका जो ये जो एड्रेस होता है, संबोधन होता है, किस तरह से होता है, उनमें क्या लाइन है, वो बिल्कुल फिक्स लाइन है, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, आप उनको चाहे तो नोट कर लेना। तो ये है आपका स्पीच का एक फिक्स फॉर्मेट, अच्छी लाइन से पहले समझा दो, बाद में आप भले नोट कर लेना। जैसे द वैल्यू ऑफ बुक्स, इसका टाइटल हो गया जो हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, बड़े अक्षरों में लिखा है। उसके बाद में ये है वो चार पांच लाइन एड्रेसिंग लाइन, यानी संबोधित करने वाली लाइन है, जो एक स्पीच को एक आर्टिकल से अलग करती है। यानी स्पीच के अंदर ये लाइनें आपको लिखनी होती हैं, जबकि आर्टिकल डायरेक्ट शुरू हो जाता है करना। इसमें भी आपको यहाँ पे जाके जो मैंने खाली जगह दिया है, इसमें आपको विचार ही लिखने, अपने आइडियाज लिखने हैं वैल्यू ऑफ बुक्स पर, लेकिन इसमें पहले आपको तीन चार लाइन एड्रेसिंग यानी संबोधन की लिखनी होती है। तो देखिए ये क्या है, रेस्पेक्टेड जजेज ऑफ द पैनल, पैनल के रेस्पेक्टेड जजेज, मतलब जो उसको जज कर रहे हैं उस स्पीच को, माना कि ये एक कॉन्टेस्ट है और वहां पे स्पीच प्रतियोगिता चल रही है, उस अर्थ में अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन नहीं लिखनी है, तो ऑनरेबल प्रिंसिपल आप ऐसे लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल ऐसे लिख सकते हो। तो रेस्पेक्टेड जजेज ऑफ द पैनल,
कॉमा वेनरेबल टीचर्स अनुभवी अध्यापक एंड माई एंडियरिंग स्कूल मेट्स और मेस और मेरे अत्यधिक प्रिय स्कूल के सहपाठियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ, मैं रोहित कुमार, मैं रोहित कुमार, ठीक है, ये नाम जो क्वेश्चन में आया या फिर काव्या जो भी लड़की का नाम आया, फ्रॉम 12th क्लास, कक्षा 12 से, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज, मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ऑन पर द वैल्यू ऑफ बुक्स, पुस्तकों के महत्व पर। ध्यान रखना टाइटल एक बार फिर से आएगा और यहाँ पे आप भले इसको कैपिटल में मत लिखो, स्मॉल में लिख दो। उसके बाद में यहां से फिर आपको ये शुरू कर देना है। फिर आपको करना क्या, आपको वही करना है जो आपने आर्टिकल में किया था, और आर्टिकल पे मैंने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है, सारी आपको प्लानिंग बताई है। डिटेल के लिए वो वीडियो आप देख लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, वहां वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको हल्के हल्के आइडिया दे दूं। देखिए, जो आपके विचार है ना, आपकी मार्किंग इनसे ही होगी, और इस पूरे आपके विचारों को, इसकी पूरी मेन बॉडी को अपन तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइंस, जैसा उस वीडियो में बताया, सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। अगर आपने स्टार्टिंग लाइंस धांसू लिख दी, सबसे अलग लिख दी, शानदार लिख दी, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, पक्का मिलेंगे। इस एड्रेसिंग को तो हर कोई लिखेगा, लेकिन वो चेक इसको हल्का सा देखेगा, बाद में यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से जो पहली लाइन है ना, वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। अब वो पहली लाइन इफेक्टिव कैसे हो सकती है, देखिए। तो इस स्टार्टिंग को ही समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है उसके लिए आप अपनी स्टार्टिंग लाइन को किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हो, यानी किसी कहावत से, या फिर किसी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो। जैसे कि समवन सेड, अच्छा देखो, किसी ने कहा है, ए रूम विदाउट बुक्स, बिना पुस्तकों के एक रूम, इज लाइक ए बॉडी विदाउट ए सोल, एक बिना आत्मा का शरीर है, बिना आत्मा के शरीर जैसा है, ठीक है। अब ये पता नहीं किसने कहा, तो अगर आपको पता ना हो किसने कहा तो आप लिख दो समवन सेड, किसी ने कहा था, या इट्स एन ओल्ड सेइंग, ये एक पुरानी कहावत है। तो फिक्स वर्ड्स है जो आप किसी भी कोटेशन के लिए यूज कर सकते हो, और कोटेशन को हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, इससे अच्छा इफेक्ट आता है। अथवा फर्स्ट लाइन आप ये भी लिख सकते हो, जैसे देखो, बुक्स एंड मीन आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऐसे कहा जाता है, तो ऐसे तो सभी लिखते हैं। आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमास में, देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज ए बुक, कोई भी मित्र इतना वफादार नहीं है जितनी की एक पुस्तक। तो उसी बात को आपने इस तरह से कर दिया तो और इफेक्टिव हो गया। या फिर आप एक अथवा एक क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हो, जैसे इज ए बुक मेयर ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, क्या एक पुस्तक सिर्फ शब्दों का संग्रह होती है। तो यहाँ पे चौंकाने वाली बात आई, तो इनसे फर्क पड़ता है, फर्स्ट लाइन आपकी बहुत इफेक्ट डालती है। इसके बाद हमारे आर्टिकल अथवा स्पीच का मेन बॉडी आता है, यानी स्टार्टिंग लाइन के बाद जो पार्ट होता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसे हम मेन बॉडी बोलते हैं, और वो उसी में आप सबसे ज्यादा लाइंस लिखते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए, या तो कॉजेज होते हैं किस चीज के, या फिर और इफेक्ट, आप किस चीज के कारण बता रहे हो, या किस चीज के इफेक्ट प्रभाव बता रहे हो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, उसके क्या कारण है, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, टेररिज्म है, उसके क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव है, या फिर आप किसी चीज के एडवांटेज बता रहे हो, लाभ बता रहे हो, जैसे कि आप वैल्यू ऑफ बुक्स, पुस्तकों का लाभ बता रहे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का लाभ बता रहे हो, अथवा फिर किसी चीज के डिसएडवांटेज, नुकसान बता रहे हो, ठीक है। तो आप या तो मतलब जितने भी आर्टिकल स्पीच है ऐसे हैं, उन सब के अंदर यही थीम चलती है, मतलब आप कुछ ना कुछ कारण, प्रभाव, लाभ या हानि ही बता रहे हो, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना कि आप वैल्यू ऑफ बुक्स बता रहे हो, तो पुस्तकों का क्या महत्व है, यानी आप इसके एडवांटेज बता रहे हो। मॉर्निंग वॉक कहा जाए तो उसके आप एडवांटेज बता रहे हो, करप्शन आ जाए तो उसके कॉज क्या है, उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, आप ये बता रहे हो। अच्छा, इसमें मैंने देखो सारी बातें डिटेल बताई थी आर्टिकल वाले वीडियो में, वो वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना, जरूर देखना। तो जैसे आपने कोई लाइन लिखी, आप वैल्यू ऑफ बुक्स, पुस्तकों का लाभ बता रहे हो, तो आप हर लाइन में लाभ ही लाभ बता रहे हो, एडवांटेज बता रहे हो, तो हर लाइन को आप एक अलग अंदाज में शुरू कर सकते हो। जैसे आपने बताया कि पुस्तकें हमें अच्छा मार्ग दिखाती हैं, इसके अलावा अगली लाइन में इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त फिर ये भी करती है, फिर आपने आपको जो बताना है, जो एडवांटेज बताना है वो आप बता दीजिए। अब अगली लाइन में आप जैसे आप फर्दर मोर और भी, मतलब आगे भी और भी, तो आपने एक चीज बताई, अगली लाइन में आप ऐसे शुरू कर सकते हो, या फिर आप ऐसे मोर ओवर और भी, मोर ओवर कर देता है और भी, तो किसी लाइन में आपने इसका यूज कर लिया, किसी में इसका यूज कर लिया, किसी में इसका यूज कर लिया, तो अच्छा रहता है। आर्टिकल स्पीच में इन वर्ड्स का यूज करना
अच्छा माना जाता है, और बस अपने थीम पर बने रहिए, अपने आइडियाज को अच्छे अच्छे अंदाज में, अलग अलग अंदाज में एक्सप्रेस कीजिए। और आप अंत ऐसे कर सकते हो, जैसे आई होप, मैं आशा करती हूँ या करता हूँ, या अथवा आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, यू एग्री विद माई आइडियाज, आप मेरे विचारों से सहमत हैं, थैंक यू। और आपको अंत में ध्यान रखना है, स्पीच के अंत में थैंक यू अवश्य लिखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आर्टिकल ऐसे वाले वीडियो में बताया था, फिर आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, देखिए अंत में कंटेंट मैटर करता है। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, कौन चीज कहाँ कैसे लिखनी है बता दी, कुछ फिक्स लाइन्स, कुछ फिक्स वर्ड्स आपको मिल गए। तो इनको देखने के बाद आपको राजी नहीं होना है, आपको वास्तव में काम करना है, कंटेंट जुटाना है। लास्ट में कंटेंट ही मैटर करता है, कंटेंट बोले तो जो आप इसके अंदर आइडियाज लिखोगे वो, और वो कहाँ से आएंगे, तो जितने भी आपके बुक्स वगैरह हैं, पासबुक्स वगैरह हैं, गाइड वगैरह हैं, उनमें जाइए। और ज़्यादा भी अगर आप नहीं कर सको तो कम से कम हिंदी मटेरियल तो देखो कि किस आर्टिकल में, किस स्पीच में क्या विचार रखे गए। वो विचार जब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम कम से कम टूटी फूटी अपनी ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में तो लिख सकते हैं। एक बात और बता दूं, आर्टिकल स्पीच ऐसे में आपको आइडियाज के मार्क्स मिलते हैं, ना कि आपके सेंटेंस के। मतलब सेंटेंस में अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए बाय चांस तो चल जाएगी, पर उसमें जो आइडिया है वो कितना प्रभावशाली है, उससे एक टीचर, एक एग्जामिनर या कोई भी पर्सन कितना अफेक्टेड हो रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है, कितना अट्रैक्टिव हो रहा है, वो चीज मायने रखती है। और इनमें मार्क्स आपको आइडियाज के मिलते हैं, तो अच्छे अच्छे आइडियाज आपको लाने हैं, बिल्ड करने हैं और जुटाने हैं और लिखने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्पीच राइटिंग में आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, फिर से एक बार, चौथी बार बोल रहा हूँ शायद, आर्टिकल ऐसे वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, या फिर चैनल में जाकर सर्च करके खोज लेना, वो वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा जैसे लेटर राइटिंग है, तो लेटर अपने लेटर टू एडिटर होता है, लेटर और ऑफिशियल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, सारे लेटर्स के मैंने फिक्स फॉर्मेट, लेटर में तो लेटर कैसा भी हो, फॉर्मल लेटर फिक्स लाइंस के साथ मैंने बनाया है, बहुत मस्त वीडियो है, आप देखना। यानी लेटर कैसा भी आए आप उसको आराम से लिख सकते हो। इंग्लिश में केवल पास का ट्रिक, ये भी वीडियो मैंने बनाया है। और अगर आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो उसका भी वीडियो है। सारे वीडियो के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।